पियर चिनासी पे भाई जब आप आएंगे आपको ये वाला एडवेंचर भी देखने को मिलता है, पैराग्लाइडिंग। वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आपको अखरोट के दरख्त भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अखरोट है, ये सारे आपको यहाँ पे अखरोट ही अखरोट देखने को मिलेंगे रास्ते में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यावर अब्बास एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको कश्मीर से सुबह बखैर। अभी सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी बेहतरीन भाई मौसम हमें देखने को मिल रहा है। तो इंशाल्लाह जो है ना, आज हम जा रहे हैं पीर चिनासी। बाइक मैंने अपना यहाँ पे ये देखे रेडी कर दिया है। ये दोस्त ऊपर, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, ये रेडी हैं और इंशाल्लाह हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने। नाश्ता करके निकलेंगे पीर चिनासी, आपको बताएंगे पीर चिनासी का रोड, वहाँ का वेदर कंडीशन और कौन सी गाड़ियाँ जा सकती हैं, नहीं जा सकती, बाइक जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बहुत ही खूबसूरत जगह है, सारा मुजफ्फराबाद आपको नीचे नज़र आएगा। सो स्टे कनेक्ट विद अस और बड़ा मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे आप आज की इस राइड को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़र अपना शुरू कर दिया है मैंने टुवर्ड पीर चिनासी। आगे से इसका पेट्रोल भी डलवाना है और इसके बाद नाश्ता करना है, फिर चलेंगे इंशाल्लाह आगे। आज वेदर कंडीशन बहुत ही प्यारी है, बड़ा मज़ा आने वाला है। पेट्रोल पंप, यहाँ से इसका टैंक करते हैं फुल, बाकी आगे अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। चलो देखते हैं कितने लीटर पेट्रोल आता है। 258, चलो कुछ सस्ता हो गया, शुक्र है। 3000 का हुआ है और 11.62 लीटर, पहले भी इसमें तकरीबन 1-2 लीटर था, 13 लीटर आते हैं। चलो भाई चलते हैं। ऑलमोस्ट एक 28 किलोमीटर है पीर चिनासी, 9,500 फीट की बुलंदी पे है। एक घंटा तो आसानी से लग ही जाना है कम अज़ कम, अगर आपके पास अच्छे वाला बाइक है तो। ओए होए 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 होए, ये हुई ना बात, ये ओए हो तेरी खैर, ओए ये है भाई, ये है पीर चिनासी का रास्ता, चेक इट। क्यों भाई, देख के मजा आ रहा है ना, आखिर 9,500-10,000 फीट पे जाना है तो रास्ता तो ऐसे मिलेगा हमें देखने को, बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है। तो अब इसके काम चेक करें। अभी भाई हम आधे रास्ते रुके हैं। कमर भाई कैसा लगा है? भाई जान बहुत चढ़ाई है। विकी भाई, ताहिर भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? चल सही है। ओ भाई साहब, फैजान लोग पहुंच चुके हैं। हाँ भाई चल सही है, मजा आ गया, यकीन करें कराने पड़ेंगे बाकी। बस ये है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं रास्ते में, क्योंकि यार बहुत ज्यादा हाइट है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, ये यहाँ पे आपको अखरोट के दरख्त भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा अखरोट है, ये सारे आपको यहाँ पे अखरोट ही अखरोट देखने को मिलेंगे रास्ते में, फलदार दरख्त है। हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं रेस्ट और इंशाल्लाह 12-13 किलोमीटर है आगे, फिर इंशाल्लाह पीर चिनासी जाके मिलेंगे। बाकी रोड की कंडीशन बड़ी बेहतरीन है, फिट है, मौसम भी अच्छा है, मज़ा आ गया, जस आ गई आज।
अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर एट पीर चिनासी। ये पीर चिनासी की भी टक शॉप है, यहाँ पे आपको खाने की हर एक चीज मिलेगी। मौसम की बात की जाए तो बड़ी ठंडी हवा है यार, यकीन करें चस आ गई है। बादलों का व्यू भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ों के सर पे मंडला रहे हैं। एंड आगे जा रहे हैं पीर चिनासी जो मज़ार है उसकी तरफ। पीर चिनासी है। यहाँ पे बाइक्स को रोक दिया गया है कि यहाँ पे खड़ा करते हैं, सो यहाँ पे बाइक को लगाते हैं फिर आगे जाते हैं। पीर चिनासी पे भाई जब आप आएंगे आपको ये वाला एडवेंचर भी देखने को मिलता है, पैराग्लाइडिंग। वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत ही एक एडवेंचरस चीज़ है। अगर आपके पास एक मोटी रकम है तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं। ये देखें भाई, हवाओं में उड़ें, मज़े लें। ये सामने आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू भी देखने को मिलेगा और ये वाला एडवेंचर भी आपको करने को मिलेगा। इसके लिए अगर आपको रिहाइश या फिर रखना चाह रहे हैं स्टे के लिए, आपको बेहतरीन किस्म के यहाँ पे हाउस मिलेंगे बने हुए। ये देखें बहुत ही खूबसूरत किस्म के, इसके साथ ये आपको सामने मज़ार देखने को मिलती है पीर चिनासी। अब तो ये पिकनिक पॉइंट बन चुका है सारे का सारा, अदरवाइज यहाँ पे पीर का मज़ार है और ये भी आपको अंदर जाकर मैं विज़िट करवाता हूँ। चलते हैं मज़ार शरीफ के अंदर। हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बुखारी उस पीर चिनासी। ये है मज़ार शरीफ का इहाता, इस साइड भी आप देख सकते हैं। मज़ार के अंदर आप जैसे आएंगे यहाँ पे एक मुकम्मल हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से इसकी हिस्ट्री वगैरह यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ से इसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी तफसील लिखी हुई है। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के यहाँ पे इसकी सारी की सारी जो पीर चिनासी जो जिस वजह से ये जगह मशहूर है आप यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं। चलो चलते हैं, आप थोड़ा सा आपको इस साइड का भी व्यू दिखा दूँ। ये कब्रिस्तान भी है बिल्कुल साथ, लेकिन कब्रिस्तान में दाखिला ममनू है। यहाँ पे आप हॉर्स राइड वगैरह भी कर सकते हैं। अब ये लोग यहाँ पे दुआ करने की बजाय मज़ार पे तफरी करने ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये तफरी मकामात में शामिल है आजकल पीर चिनासी। और अगर आप हाइकिंग ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा स्पॉट है जहाँ पे आप हाइकिंग ट्रैकिंग कर सकते हैं और उसके भी मज़े ले सकते हैं।